हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। गाइस, आप लोगों को याद होगा जो मैंने पेंटर वाली वीडियो बनाई थी कुवैत पे, उसको इतना सारा प्यार दिया, लगभग हजारों लोगों ने वीडियो देखे। मैंने कई सारे लोगों के कमेंट पढ़े उस वीडियो में जिन्होंने किए हुए हैं कि भाई आप पेंटर हेल्पर के बारे में बेसिकली कुछ बताओ कि अगर कुवैत में एज ए पेंटर हेल्पर हमको काम करना हो तो हम कैसे कर सकती है। बेसिकली क्या होता है मैं पहले बताता हूँ। पेंटर का अगर आपने किसी ITI कोर्स नहीं किया हुआ है, आपने काम भी नहीं सीखा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ता है, जो पेंटर्स होते हैं उनके साथ में रह करके एज एन हेल्पर वर्क करने पड़ते हैं। इसके दो फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है आप साथ में रह करके काम करते हो तो आपको काम सीखने को मिलता है, कुछ दिनों बाद आप काम जाते हो तो आपको पैसे अच्छे मिलने लगते हैं। ठीक है, मैंने ITI भी वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर वीडियो देखना, पेंटर की डिटेल वीडियो है वो, उसमें मैंने और भी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद जाकर उस वीडियो को देखना। ठीक है, अभी बात करते हैं बेसिकली पेंटर हेल्पर के बारे में। देखो, पेंटर हेल्पर का जो बेसिकली जॉब है वो मिनिमम 10th पास पे आप आराम से कर सकते हो, 12th पास हो तो और बढ़िया है। ठीक है, पेंटर हेल्पर में कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन है, जैसे कि मिनिमम 10th पास होने चाहिए आप, सेकंड चाहिए आपका हेल्थ बढ़िया हो, हेल्थ में कोई कमी ना हो, कोई बीमारी ना हो, क्योंकि कोरोना के बाद थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। ठीक है, और भी कोई ज्यादा फास्ट पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है मिनिमम, और पासपोर्ट में जो डिटेल्स लगते हैं आपको, पैन कार्ड, आधार कार्ड और भी कई सारी आपकी पर्सनल आइडेंटिटी प्रूफ लगती है, तो चीजें आपके पास होंगी, ये तो पता है मुझे। ठीक है, अगर आप इंडिया से हो या फिर कहीं से भी हो तो ये चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी। अब बात करते हैं बेसिकली इसकी और भी रिक्वायरमेंट, जैसे केस क्राइम आपके ऊपर किसी टाइप का ना हो, कोई पुलिस के जैसा कुछ ना हो। ठीक है, और एबव 18 ईयर ओल्ड हो आप, आपका फिजिकल फिटनेस काफी अच्छा हो, ऐसा नहीं बहुत दुबले पतले हो आप, ये चीजें कॉमन रिक्वायरमेंट। सैलरी की बात करें तो हेल्पर के तौर पर ऑन एंड एवरेज जो सैलरी है कुवैत में वो स्टार्टिंग लेवल पे लगभग आप 50 to 55,000 रुपए स्टार्टिंग में अर्न कर सकते हो, क्योंकि इसमें 8 घंटे से 12 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे वर्क होता है, तो सैलरी अच्छी मिलती है, क्योंकि 12 घंटे आप कर भी तो रहे हो और कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, इसमें कोई आपको छुट्टी वुट्टी नहीं मिलती है, तो ये चीज़ें बेनिफिट मिलता है। इसमें मेडिकल का फैसिलिटी मिलता है और फूड फैसिलिटी भी मिलती है, तो ये चीज़ें बेस्ट थी। अगर कोई डाउट हो तो जाकर पेंटर वाली वीडियो देखो, उसमें और सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी। बाय बाय, हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय, हैव नाइस डे।